नमस्ते दोस्तों, आज मैं बिहार में बनने वाले कुम्हरा साग की रेसिपी लेके आई हूँ। बाकी तरीके के तो अपने कुम्हरा साग की रेसिपी खाई है, लेकिन हमारे बिहार की जो रेसिपी होती है कुम्हरा साग की, बहुत चटक मटक होती है। तो रेसिपी ध्यान से देखिएगा, और रेसिपी देखने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने इसके लिए कुम्हरा का डंठल इस तरीके से काट लिया है, और कोई भी दिक्कत नहीं, आप सॉफ्ट हो हार्ड हो किसी भी पत्ते को ले सकते हैं। इस तरीके से इन सब को लेके हमें साइड करके इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में काट के डंठल को अलग से कट करके रख लेना है। इसके बाद से जो खास चीज़ है वो है हमारे बिहार का मसाला। तो वहाँ का मसाला जो चटक मटक होता है, तो उसके लिए सभी चीज़ ज़्यादा ज़्यादा मात्रा में लगती है। तो यहाँ पे मैंने काली और पीली दोनों सरसों ले लिए, साथ में यहाँ पे मैंने जीरा लिया है, थोड़ा सा धनिया का पाउडर ले लिया है, सूखा मिर्च लिया है, और साथ में हरा मिर्च लिया है, क्योंकि वहाँ पे तीखा बहुत ज़्यादा खाया जाता है। और साथ में मैंने बहुत ज़्यादा लहसुन लिया है, क्योंकि लहसुन का मात्रा कुम्हरा के साग में थोड़ा ज़्यादा डालना चाहिए। तो दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है। अब इसमें हमें सबसे पहले मंगरेल का फोड़न देना है, साथ में दो चार हरी मिर्च काट लेनी है, उसको भी इसमें डाल के हमें थोड़ी देर तक इस तरीके से फ्राई करना है। उसके बाद संग संग हमें आलू डाल देना है। आलू डाल देने के बाद से हम इसको एक से दो बार उलट पुलट करके इसमें हमें सबसे पहले क्या डालना है, कुम्हरा का जो डंठल मैंने काटा था उसको डालना है। तो यहाँ पे मैंने उसको भी डाल दिया है। बस आलू और डंठल को हमें थोड़ी देर तक पकाना है। चलिए इसको हम ढक देते हैं, क्योंकि ये थोड़ा हार्ड होता है, तो ढक के पकाने से क्या होगा, जल्दी पक जाएगा। थोड़ी देर बाद से हम इसको खोल के देखेंगे, तो ये देखिए काफ़ी हद तक ये सॉफ्ट हो चुका है। तो इसको हम फिर से इस तरीके से थोड़ी देर पका लेने के बाद से इसमें हम पत्तों को ऐड करेंगे। कुम्हरा और लौकी में यही डिफरेंस होता है कि लौकी का पत्ता थोड़ा सॉफ्ट होता है, कुम्हरा का पत्ता थोड़ा हार्ड होता है। तो हमें क्या करना है, कुम्हरा का पत्ता अभी इसमें डाल देना है। मसाले अभी यूज़ नहीं करने हैं। चलिए हम इसको थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं। ढक देने के बाद से क्या होगा, थोड़ा ये सॉफ्ट हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा, तब इसको हम क्या करेंगे, ये देखिए खोल के देख लेंगे। अब इसको हम थोड़ा देर तक इस तरीके से दबा दबा के थोड़ी देर, यहाँ पे हम एक मिनट तक इसको इसी तरीके से पकाएंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको एक मिनट तक पकाना स्टार्ट कर दिया है। इसको हमें इसी तरीके से एक मिनट तक पका लेने के बाद से इसमें हमें हल्का सा नमक अभी ही डालना होगा। नमक डालने से क्या होगा कि ये और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे नमक डाल दिया है। नमक डाल देने के बाद से डंठल पत्ते और आलू को हम नमक के साथ थोड़ी देर तक पकाएंगे। थोड़ी देर पका लेने के बाद से हम इसको थोड़ी देर के लिए और ढक देंगे। उसके बाद से फिर से हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो चलिए इसको हम फिर से एक मिनट के लिए ढक दे रहे हैं। एक मिनट पूरे हो जाने के बाद से हम इसको खोल के देखेंगे, पत्ते और डंठल काफ़ी हद तक पक चुके रहते हैं। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, मसाले ऐड करेंगे। तो चलिए इसको एक बार फिर से मैं चला लेती हूँ। चलाने के बाद से इसमें मैं क्या करूँगी, मसालों को ऐड करूँगी जो कि मैंने पहले पीस लिया था। मसाले डालने के बाद से इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर भी डाल दीजिए। हल्दी पाउडर डालने के बाद से अब इसको हम इसी तरीके से पकाएंगे। अब इसको हमें ढकने का ज़रूरत नहीं है, हमें इसी तरीके से इसको पकाते रहना है। तो यहाँ पे मैंने इसको पकाना स्टार्ट कर दिया है। तो बिहार की कोई भी रेसिपी हो बहुत तीखी और चटक मटक बनती है, तो कुम्हरा साग भी इसी तरीके से हमारे यहाँ पे बनाई जाती है। तो रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक बार इस तरीके का कुम्हरा साग ज़रूर बना के देखिए, बहुत ही अलग सा स्वाद आएगा और बहुत ही अच्छा सा इसके फ्लेवर आता है, जो कि सरसों और कुम्हरा मिल के एक साथ देता है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, थोड़ी देर के लिए ढक दिया है ताकि मसाले क्या है थोड़ा सा इसमें पक जाए। तो बस मैंने इसको 30 सेकेंड्स के लिए ही ढका है। तो हमारी ये रेसिपी बन के तैयार हो चुकी है। चलिए मैं एक बार दिखा देती हूँ, आलू डंठल पत्ते सभी अच्छे से पक चुके हैं। तो मैं इसको क्या करती हूँ, मैं इसको चलिए गर्मा गर्म सर्व कर लेती हूँ। आलू ये एक बार चेक कर लेते, देखिए आलू भी अच्छे से पक चुके हैं। तो ये रेसिपी बिल्कुल से बन के तैयार हो चुकी है, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, आप 5 से 7 मिनट के अंदर इसको आप पका सकते हैं। तो रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मैं इसको सर्व कर लेती हूँ। इसे गर्मा गर्म चावल के साथ खाइए, बहुत टेस्टी लगता है। और हमारे बिहार में तो कुम्हरा साग ऐसे ही बनाया जाता है। तो रेसिपी अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट करके बताइए। तो मैं तो चली खाने, बाय बाय, टेक केयर। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।